हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक न्यू सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जो कि है हमारा बायोलॉजी। और आप लोग देख ही रहे होंगे कि रीजनिंग के वीडियो आपको हर दिन मिल रहे हैं मेरे चैनल पे। हर दिन आपको न्यू टॉपिक के वीडियो अपलोड हो रहे हैं। तो साथ ही साथ मैंने ये भी सोचा कि मैं आपको स्टैटिक जी के, यानी जो भी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के वीडियो हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम जो भी मैंने नोट्स बनाया था, मैं सोच रहा हूँ वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। ट्रस्ट कीजिएगा कि ये बहुत ही अच्छा नोट्स होने वाला है आपके एटलीस्ट पीटी एग्जाम के लिए, क्योंकि मैंने अपने ही नोट्स पढ़कर और बहुत स्टैंडर्ड बुक्स को, जैसे स्टैंडर्ड बुक्स यानी एनसीईआरटी बुक्स को पढ़कर एक मैंने कंप्लीट नोट्स बनाया था जो कि मेरे एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प किया। मैं पीटी की बात कर रहा हूँ। आई हैव रिटन 2 टाइम मेंस इन बीपीएससी, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट क्वालिफाई। और फिर बाद में मुझे वो प्रिपरेशन छोड़ना पड़ा क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए, तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए मुझे प्रिपरेशन बीच में छोड़ना पड़ा। और मैं अभी आईटी कंपनी में वर्क कर रहा हूँ, और मैं ईवाई कंपनी में वर्क कर रहा हूँ जो कि एक बिग फोर कंपनी है। तो एक्चुअली देखा जाए तो मुझे ज़्यादा टाइम मिलता है नहीं। मैं शाम में 6:30-7 बजे घर आता हूँ, फिर 1-2 घंटे में वीडियो बनाता हूँ और अपलोड करता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि हर दिन आपको एक रीजनिंग के और एक जीएस का जो पोर्शन है उसके वीडियो आपको मिले। तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ बायोलॉजी से। ये ध्यान रखिएगा, ये कंप्लीट नोट्स होगा, डिटेल नोट्स होगा जो कि एनसीईआरटी बुक पे बेस्ड होगा, ठीक है। इसके 40 से 50 वीडियो आएंगे, कह सकते हैं 40 से 50 घंटे की बायोलॉजी की सीरीज चलेगी। और ये फिलहाल अभी मैं हिंदी में बता रहा हूँ। ये मैं जो नोट्स लिखवाऊंगा ये हिंदी में होगा, क्योंकि हिंदी के बाद मैं देखूंगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, और फिर जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स होगा फिर मैं ये सारी चीजें इंग्लिश में भी आपको बताऊंगा। मैं पहले ही ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये 100% होगा फिर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। हालांकि ये जितना मैं बता रहा हूँ आपका 80-90% ये आपके लिए स्टेट पीसीएस के लिए बेनिफिशियल होगा, एक फाउंडेशन तैयार करेगा। मतलब आपको एक सब्जेक्ट की समझ आएगी। जैसे बायोलॉजी पढ़ने का तरीका मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, समझने का तरीका चेंज कर दूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आप मेरा नोट्स पढ़िएगा उसी के अंदर से सारे क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन हर साल नए पूछे भी जाते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट करना है और टेस्ट सीरीज देना है, जिससे आपको नए क्वेश्चन दिखे तो आप उसको लिखते जाइए और साथ ही साथ उसको रिवीजन करते जाइए। ध्यान रखिएगा किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए या जो भी यूपीएससी है उसके लिए रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। रिवीजन इज द की। बिना रिवीजन के आप, ऐसा नहीं है कि अभी मैं आपको पढ़ाया हूँ और आप सीख लिए और उसके बाद सब चीज सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर रिवीजन करना पड़ेगा। जितना आप रिवाइज कीजिएगा सब्जेक्ट को उतना आपका सेलेक्शन का चांसेस बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको कोशिश करूंगा एक कंप्लीट नोट्स बनाने की, और जितना हो सके आपको क्लास में ड्यूरिंग क्लास के टाइम ही चीजों को रटवाकर बुलवाकर मैं आप लोगों को याद करवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है, वो रिवीजन एंड प्रैक्टिस। चाहे कोई भी आप एग्जाम उठा लीजिए, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, आप समझ लेते हैं, मुझे पता है कि आप लोग समझ लेते होंगे, लेकिन बिना प्रैक्टिस के, बिना टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किए कुछ नहीं होगा। वो जितना भी आप जानते हैं वो धरा का धरा रह जाएगा। यानी आपको सबसे इम्पोर्टेंट है रिविजन करते रहना प्लस प्रैक्टिस करना। जितना आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कीजिएगा, जितना आप रिविजन कीजिएगा, उतना ही आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए तो मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। देखिए जो सिलेबस है किसी भी बायोलॉजी के किसी भी एग्जाम के लिए, फॉर यूपीएससी, बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, एसएससी या हो या रेलवे हो, यही मेन आपके टॉपिक हैं 7 से 8। यानी फर्स्ट है आपका कोशिका एवं ऊतक, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं सेल एंड टिश्यू। सेकेंड है पोषण, पाचन तंत्र, विटामिन्स यानी न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड विटामिन्स। थर्ड है आपका उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम। फोर्थ है आपका श्वसन तंत्र, रेस्पायरेटरी सिस्टम। फिफ्थ है आपका रक्त परिसंचरण तंत्र एवं हृदय यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हार्ट। नेक्स्ट तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है आपका कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट है आपका विविध यानी मिसलेनियस, जितने भी स्टडी हैं
उसके बारे में हमें पढ़ना है, और फिर है आपका लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैं यहाँ 2-4-10 क्लास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी यहाँ करवाऊंगा, जो कि डिफरेंट पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चन होंगे उसके लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट टॉपिक कोशिका एवं उत्तक। तो सबसे पहले है कोशिका। कोशिका यानी सेल। सेल क्या होता है? तो किसी भी जीवों की यानी किसी भी सजीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी किसी भी सजीव की यानी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है उसे हम कोशिका कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर जो है, वो इन्हीं छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी सबसे जो लोएस्ट पार्ट है, लोएस्ट यूनिट है, वो हमारा क्या है? सेल। तो ह्यूमन बॉडी जो है इन्हीं छोटे छोटे कोशिकाओं को जोड़कर एक हमारा ह्यूमन बॉडी बना है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी, और इन्होंने डेड सेल को खोज किया था। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? डेड सेल का खोज किया था, जिसको इन्होंने अपने बुक माइक्रोग्राफिया में बताया था। ठीक है, यानी कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है, कब? 1665 ईस्वी में, और इन्होंने डेड सेल की खोज की थी। तो कभी कभी वनडे एग्जाम जैसे एसएससी या रेलवे में पूछा जाता है कि सबसे पहले डेड सेल की खोज किसने की, तो आपका आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक। और ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सेल जो है ये इसका इंग्लिश नेम है, सेल इंग्लिश नेम है, और साइंटिफिक नेम है इसका साइटो। ठीक है, कोशिका का इंग्लिश नेम सेल है और उसका साइंटिफिक नेम क्या है? साइटो। तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। और यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि सर्वप्रथम जीवित तथा मुक्त कोशिकाओं की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी। अब जैसा मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ, आपको सेम टू सेम वैसा ही बनाना है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने उसको डिफरेंट कलर से हाईलाइट भी किया है, और जो भी जो मैं आपको नोट्स लिखवा रहा हूँ इसी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ऐड है। ठीक है, तो आपको बेसिकली जो भी मैं लिखवा रहा हूँ और जो भी मैं समझा रहा हूँ एकदम ध्यान से पहले सुनना है, फिर साथ साथ आप लिखते भी जाइए। चलिए नेक्स्ट है आपका कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी क्या कहता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो सेल थ्योरी की खोज की उसने स्लाइडेन एवं स्वैन ने दिया। इन्होंने क्या बताया सेल थ्योरी के बारे में? तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट कह रहा है कि प्रत्येक जो सजीव है उसका शरीर या तो यूनिसेल्युलर होता है यानी एक कोशिकीय होता है, या बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, जो हमारा सजीव है, सजीव का शरीर या तो यूनिसेल्युलर से बना होगा या मल्टीसेल्युलर का मिलकर बना होगा, यानी एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय से मिलकर बना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक कोशिकीय के एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, और ध्यान रखिएगा पैरामीशियम की आकृति चप्पल की तरह होती है, जैसे इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। तो यूनिसेल्युलर क्या है? उसके एग्जाम्पल है अमीबा या पैरामीशियम। और बहुकोशिकीय क्या है? ट्री एवं एनिमल, यानी जो पादप और जंतु होते हैं उसे वो किस चीज से, किस सेल कैसे बने होते हैं, तो वो मल्टी सेलुलर बने होते हैं। यानी फर्स्ट पॉइंट ये है कि प्रत्येक जीव का शरीर या तो एक कोशिकीय होता है या बहुकोशिकीय होता है। सेकंड कह रहा है कि प्रत्येक कोशिका जो है अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बनी होती है, यानी कोशिका जो भी होती है, जो पहले जो आपकी कोशिका बनी होती है उसी से नेक्स्ट कोशिका का निर्माण होता है। और थर्ड कह रहा है कि सभी कोशिका की मूल संरचना समान होती है, यानी सभी कोशिका की जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होते हैं? सब में इक्वल होते हैं, समान होते हैं। और फोर्थ है, प्रत्येक जीवधारी अपनी कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं वो पारस्परिक संबंध के कारण ही जीवित रहता है। ठीक है, तो ये है आपके सेल थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। अब ध्यान रखिएगा, ये कोशिका जो सेल थ्योरी है इसका एक अपवाद भी है, विषाणु। इसका अपवाद क्या है? विषाणु। क्योंकि कह रहा है कि क्योंकि किसी सजीव कोशिका में प्रवेश करने से पहले यह निर्जीव होता है, यानी जो आपका विषाणु है किसी भी सजीव कोशिका में इंटर होने से पहले ये क्रिस्टल होता है, यानी निर्जीव होता है। और जैसे ही ये सजीव कोशिका में प्रवेश करता है तो ये क्या होता है? ये सजीव हो जाता है, यानी ये अपना जो भी सजीव के लक्षण है यानी वृद्धि, प्रजनन और सजीवों के गुण जैसा ये शो करने लगता है। लेकिन हमने पहले ये पढ़ा था, यहां देखिए,
सेल थ्योरी में मैंने पढ़ा था कि प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से ही बनी होती है, यानी जो भी कोशिका होगा वो अपने पहले से ही रिलेटेड कोशिका से बनी होती है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो विषाणु ये पहले क्या होता है, निर्जीव होता है यानी क्रिस्टल होता है, और जैसे ही सजीव कोशिका में जाता है तो ये अपने सजीव का गुण दर्शाने लगता है, जैसे वृद्धि प्रजनन जैसे गुण दर्शाने लगता है। इसलिए ये अपवाद है विषाणु। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं, ये याद रखिएगा। सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टम होती है। बहुत लोग इसको सिर्फ माइक्रोप्लाज्मा तक ही याद रखते हैं, और उसका पूरा नाम क्या है, माइक्रोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टियम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। चलिए चलिए नेक्स्ट है, कोशिका दो टाइप के होते हैं, और ये जो बेसिस है वो किस पे है, केंद्रक के संरचना के अनुसार, यानी जो आपका न्यूक्लियस है उसके कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कोशिका दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका और सेकंड है आपका यूकैरियोटिक कोशिका। अब केंद्रक को हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए आप ये समझिए केंद्रक जो होता है कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। केंद्रक जो है वो कोशिका का क्या है, नियंत्रण केंद्र है, और इसी कोशिका सॉरी केंद्रक संरचना के अकॉर्डिंग कोशिका को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका और सेकेंड होता है आपका यूकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, तो ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक अविकसित होता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका वैसे कोशिका को कहते हैं जिसमें केंद्रक डेवलप्ड नहीं होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका वैसे कोशिका को कहते हैं जिसमें केंद्रक यानी जो न्यूक्लियस है वो आपका डेवलप होता है। और केंद्रक होता क्या है, तो केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, यानी जो भी आपका कोशिका है वो कंट्रोल किसके थ्रू होता है, तो न्यूक्लियस यानी केंद्रक के थ्रू। सेकेंड है कि इन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। और केंद्रक झिल्ली का काम क्या है, तो यह इसके द्वारा क्या होता है, केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। यानी केंद्रक झिल्ली के द्वारा क्या होता है, केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल हैं जैसे आपका नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और जो भी आपका पादप कोशिका होता है यानी ट्री और आपका एनिमल, ये किसके एग्जाम्पल हैं, यूकैरियोटिक कोशिका के। क्लियर है, यानी ये क्या होगा आपका ट्री सेल और एनिमल सेल आपके किसके एग्जाम्पल होंगे, यूकैरियोटिक कोशिका के, और नील हरित शैवाल या माइकोप्लाज्मा किसके एग्जाम्पल होंगे आपके, प्रोकैरियोटिक कोशिका के। ठीक है, चलिए यानी क्लियर है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका वैसे कोशिका में कहते हैं जिसमें केंद्रक डेवलप नहीं होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका वैसे कोशिका को कहते हैं जिसमें केंद्रक डेवलप होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, जिसके एग्जाम्पल आपका क्या है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। और इसके एग्जाम्पल यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल क्या है, आपका नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है माइक्रोकोंड्रिया, पढ़ने से पहले आप कोशिका द्रव्यी अंग पढ़िए, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेन्स। इसमें क्या कहता है कि सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि कोशिका द्रव है क्या। तो जीव द्रव का वह भाग जो केंद्रक यानी न्यूक्लियस और कोशिका भित्ति के बीच होता है उसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। इसको हम आगे जो भी आपका केंद्रक है इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि केंद्रक जो होता है वह क्या होता है, नियंत्रण पॉइंट होता है यानी सेल का। ठीक है, मैंने यहाँ ऊपर में बताया था कि आपका जो केंद्रक होता है वह कोशिका का क्या होता है, नियंत्रण केंद्र होता है, यानी कंट्रोल सिस्टम जो केंद्रक को सॉरी जो कोशिका को कंट्रोल करता है वो आपका क्या होता है, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। यानी यहाँ देखिए कोशिका द्रव क्या कहता है कि कोशिका द्रव जो होता है वो केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच का भाग होता है। और ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ ये पॉइंट लिखा हुआ है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है, इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं सेल वॉल, यानी एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति जो सिर्फ है सिर्फ पादप कोशिका में ही पाई जाती है। और ये ध्यान रखिएगा ये सेलुलोज का बना होता है, जो कोशिका भित्ति होता है वो किसका बना होता है, सेलुलोज का।
अब ये जो कोशिका द्रव्यीय अंग है, इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। एक एक पार्ट कर मैं आपको डिटेल से बढ़ाऊंगा। तो सबसे पहला जो पार्ट है आपका, वो होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? यह एक खोखली या बेलनाकार संरचनाएं होती है, और यह केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। और मैंने आपको ऊपर बताया, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है? प्लांट सेल या एनिमल सेल आपका क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिका होता है। यानी यहाँ ऊपर मैंने लिखाया है प्लांट सेल या एनिमल सेल, और ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक विकसित होता है, यानी जो आपका न्यूक्लियस है वो डेवलप होता है। अब यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? तो ये खाद्य अणुओं को क्या करता है? तोड़ता है, और उससे क्या बनाता है? एटीपी बनाता है, जो कि बाकी कोशिका अंग के लिए वो क्या होता है? ईंधन का काम करता है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? यह खाद्य अणुओं को तोड़ता है और उससे एटीपी बनाता है, जो क्या करता है? बाकी कोशिका के लिए ईंधन का काम करता है। इसीलिए इसे हम पावर हाउस कहते हैं। यानी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कोशिका का पावर हाउस क्या हो है, तो आप क्या बताओगे? माइटोकॉन्ड्रिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, आप लोगों को भी पहले से पता होगा। यानी माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? खोखली और बेलनाकार संरचनाएं होती है। इसका जो काम होता है, यह खाद्य अणुओं को तोड़ता है और उससे एटीपी बनाता है, जो कि बाकी कोशिका के लिए ईंधन का काम करती है। अब याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया तो सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के ही जैसा एक और संरचना होता है, जिसे हम कहते हैं मीसोसोम। आगे हम सारा पढ़ेंगे, मीसोसोम क्या है, न्यूक्लियस को हम और सब डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल बस मैं ये आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है? तो हाँ, कोशिका का पावर हाउस किसे हम बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया का कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? तो ये खाद्य अणुओं को तोड़ता है और उससे एटीपी बनाता है, और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि क्या करता है? बाकी कोशिका के लिए ईंधन का काम करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये छोटा सा वीडियो मैंने बताया, आपको कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट कर, फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।